नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई। एक लेटेस्ट न्यूज़ मेरे पास निकल के आई है। कुछ कहते हैं ना कि गरीबों का ऊपर वाला सहारा होता है, और ये बात कहीं ना कहीं फैक्ट होती है। ऊपर वाला को उतर के नहीं आता, किसी न किसी के माध्यम से उनकी हेल्प हो जाती है। इसी तरह से मैं बात करूंगा 1200 इंडियन वर्कर जो गरीब बंदे हैं, जिनके पास टिकट का पैसा नहीं है, जो इंडिया आने में असमर्थ हैं, उनके लिए गुजरात के उद्यमी हैं नगरी सूरत। जी हाँ साथियों, जो दुबई में उद्यमी हैं, उनका खुद का बिजनेस है, भरत भाई नारोल। जी हाँ साथियों, भरत भाई नारोल हैं। उन्होंने घोषणा की है कि मैं 1200 लोगों को जो इंडिया जाने में असमर्थ हैं, खास तौर से भाई गुजराती लोगों को, क्योंकि गुजरात के लोग उनके ज़्यादा टच में हैं, तो उन लोग 1200 लोगों को वो इंडिया भेजने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने घोषणा कर दी कि प्रयास नहीं, सच्चाई है, शुरुआत भी कर दी। गुरुवार को 170 लोग, जी हाँ साथियों, गुरुवार को 170 लोग फ्लाइट में बैठ के अहमदाबाद गुजरात पहुंच चुके हैं। जी हाँ, उनमें से 100 लोगों को भारत पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। जी हाँ साथियों, गुरुवार को जो फ्लाइट आई थी उसमें 175 यात्री पहुंचे थे, जिसमें 20 गर्भवती महिलाएं थी। बता दूं मैं आपको, विमान में 70 मजदूर थे। जी हाँ साथियों, 70 मजदूरी करने वाले बंदे थे। 40 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके जॉब जा चुके हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, जिनकी जॉब छूट चुकी है। दूसरी उड़ान 24 जून को, जी हाँ साथियों, दूसरी उड़ान 24 जून को आएगी भाई। आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप इन बंदे को जानते हैं, भरत भाई नारोल को अगर आप जानते हैं, गुजरात के हैं, तो भाई इनसे कॉन्टेक्ट कर लें। 1200 लोगों को इन्होंने पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए उन्होंने दुबई का कौंसुलेट, राज्य और केंद्र सरकार से जरूरी इजाज़त मांगी। ये सभी गुजरात के हैं। भरत भाई के अनुसार ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो टिकट खरीदने में असमर्थ हैं। जी हाँ साथियों, तो भाई गुजरात के लोग अगर आप हैं, तो आप इनसे, अगर आप इनसे जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, तो अपने स्टेट में कॉन्टेक्ट करें। भरत भाई के नाम से उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप कवाड़ सकते हैं, कहीं से भी इनसे गुहार लगा सकते हैं कि हमें इंडिया पहुँचा दें। और भाई रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो लोग कॉल ना करें जो टाइम पास के लिए कर रहे हैं, जिनको जॉब भी है, जो सब कुछ है, मनमर्जी इंडिया आना चाहते हैं, वो नहीं। यहाँ पे सिर्फ गरीब आदमी की बात हो रही है, जिसके पास टिकट का पैसा नहीं है, मजबूरी में दुबई में उसको बैठना पड़ रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं है। समझ गए आपको, सेम वही कंडीशन है जैसे इंडियन गवर्नमेंट BPL के लिए खाने का अनाज देती है 2 रुपये किलो वाले, उसमें कई बार लोग घुस जाते हैं। वैसे जो पैसे वाले 20,000-30,000 महीना कमा रहे हैं, वो भी घुस जाते हैं 2 रुपये किलो गेहूँ वाले में। समझ रहे हो, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, फालतू लोग कॉन्टेक्ट नहीं करें। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पहले भी बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को इंडिया भेज रहे हैं। तो अच्छी न्यूज़ है ये, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करते हैं, गुजरात वाले भाई ट्राई कर सकते हैं। बस साथियों, आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी थी, ताकि पता लगे भाई संसार में अच्छे लोग भी होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि विदेश रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।